हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दो मिनट के अंदर बहुत ही सिंपली तरीके से आपको ब्लड कलेक्शन तरीका सिखा दूंगा, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है ब्लड सैंपल लेने के दौरान, जो मैक्सिमम गलतियां होती है ब्लड लेने के दौरान, जो कुछ कुछ नए स्टूडेंट हैं जो ब्लड सैंपल से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, उनके अंदर बहुत डर होता है, इसी डर को मिटाने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं। दोस्तों अब सबसे हम बात करते हैं ब्लड सैंपल लेने का तरीका। आपको सबसे पहले सीरिंज के अंदर से एयर निकालनी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी पेशेंट आपके सामने आ जाए, आपको डरना नहीं है, उसको हैंडल करना है। आपको सीरिंज से बिल्कुल सिंपल रूप से बिना घबराए आपको सीरिंज से एयर निकालनी है। मतलब एयर निकालने के बाद आपको सीरिंज को थोड़ा, मतलब जो नीडल होती है उसको थोड़ा टाइट करना है सीरिंज से, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको परफेक्ट तरीके से देखना है वेन को। जितनी अच्छी आप फील करना सीखोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आप वेन जितना अच्छा परफेक्ट से फील करना सीखोगे, आपको वेन को फील करना आना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको वेन फील करने नहीं आएगी आप ब्लड सैंपल नहीं ले सकते। मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग दूंगा कि आप बिना डरे आप ब्लड सैंपल लें। जब तक आपके मन के अंदर डर होगा, ये डर आपको काम नहीं करने देता, ये डर आपने खुद ने बना लिया कि यार मुझे सैंपल लेना नहीं आता। आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, बस आपको डर मिटाना है। आपको प्रैक्टिस आप करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा किस प्रकार आप सैंपल ले सकते हैं। आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको टोनिकेट बांधना है, उसके साथ ही साथ में आपको हर एक चीज़ सावधानी रखनी है। आपको किस एंगल से आपको सीरिंज को रखना है, एक बार नीडल को किस साइड से आपको प्रिक करना है, अंदर वेन को कितना अंदर डीप डालना है, हर एक चीज़ जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप ये सैंपल नहीं ले सकते। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है, कोई भी सैंपल लेता है आपको ध्यान से देखना है वो किस टाइप से सैंपल ले रहा है या वो कैसे वेन फील कर रहा है। हर एक चीज़ आपको पूरी बेसिकली आपको देखनी है, उसके बाद ही आपको ट्राई करना है। बिना आप ओवर कॉन्फिडेंस हो कि किसी के ऊपर ट्राई ना करें, क्योंकि वेन पंचर हो सकती है जिस कारण ब्लड पेशेंट को दर्द हो सकता है और बहुत सी चीज़ें हो सकती है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, आपको कॉटन आप टोनिकेट बंधा ही रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं उनके टोनिकेट बंधा ही रह जाता है। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, टोनिकेट के ऊपर भी ध्यान देना है आपको। जैसे आप नीडल निकालने से पहले आपको टोनिकेट को सही व्यवस्थित कर लेना है, टोनिकेट लगाने का सही तरीका देखना है, उसके बाद में किस वेल के अंदर कौन सा ब्लड लेना है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं पेशेंट को बार बार प्रिक करते रहो, इसलिए आपको एक बार डिसाइड कर लेना है, वाइल्स के ऊपर सबसे पहले नाम लिख लेना है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आज की बेसिक जानकारी बस इतनी। थैंक यू सो मच। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो।